हाल ही में RBI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोगों की बचत के कमी के लिए महंगाई को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2 वर्षों में लगातार महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके कारण लोग अपनी बचत नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय परिवारों की वित्तीय बचत GDP की तुलना में 50 साल के निचले स्तर पर आ गई है। बात समझिएगा, बड़ा ज़्यादा आंकड़ेबाजी नहीं करूंगा, बस इतना समझाने की कोशिश करूंगा कि RBI की ताज़ा रिपोर्ट के देखते हुए हालात सही नहीं हैं। लोग बचत कम कर पा रहे हैं, जो बचत थी उसे भी तोड़ तोड़ कर खर्च कर रहे हैं। ये भारत के अंदर इस समय चल रहा है। आपकी क्या राय है? क्या जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हमारी इनकम, हमारी आमदनी या हमें उतने रोज़गार मिले हैं? नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और RBI की इस ताज़ा रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।